हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, हर बार हम आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया लेकर आते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं मेरे पीछे है एक PM6125। ये एक पावर एसी है, इसमें बहुत कुछ नया सीखने के लिए है आपको। अगर आपको पावर सेक्शन कैसे चेक करना है पता नहीं है, एक बैड मोबाइल आता है तो क्या क्या चीजें चेक करनी है, आज के इस वीडियो में मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ। वोल्टेजेस के साथ साथ हम यहाँ पर स्विचिंग लाइंस भी चेक करेंगे, यहाँ पे कुछ सिग्नल लाइंस भी चेक करेंगे। दोस्तों, ये एक वीडियो जो है आपको एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर मैं 10-20% आपको नॉलेज दूंगा। लेकिन जब हमारे पास लाइव क्लास में आप आते हैं तो डेड मोबाइल को कैसे चेक करना है, एक पावर एसी को कैसे चेक करना है, ये हम पूरा 100% पूरा ज्ञान आपको देते हैं हमारी क्लास में। दोस्तों, नेक्स्ट बैच हमारा दिल्ली के अंदर है, लक्ष्मी नगर, जो कि करोलबाग से 15-20 मिनट की दूरी पर है, जहां पे आपको बेसिक टू एडवांस कोर्स कराया जाता है। 20 दिन की ट्रेनिंग है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MMC सब कुछ होता है। डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे आपको 10 घंटे की प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं एडवांस लेवल पर। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और MMC UFS, एक कंप्लीट एंड्रॉइड का पैकेज होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने मुद्दे पर। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक हैंडसेट है और ये हैंडसेट ऑन है। इसमें मैं आपको क्रिस्टल का सप्लाई चेक करके बताऊंगा और पावर एसी अगर से सही होता है तो तब आपको क्या सिग्नल और क्या वोल्टेज चेक करना है ये भी बताऊंगा, और CPU से क्या रिटर्न सिग्नल आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ स्लीप क्लॉक और BB क्लॉक दोनों में आपको DSO के साथ चेक करके बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि पावर एसी के पास इस तरीके के काफी सारे कॉइल्स होते हैं तो ये किन किन चीजों के लिए ये लगाए जाते हैं, क्या वर्क होता है इसका, क्या वैल्यू के होते हैं, क्या वोल्टेजेस और कब बनते हैं, ये आपको सीखना होता है। हर पावर एसी में बहुत ही अलग अलग तरीके के कॉइल्स देखने मिलेंगे। ये सारे बक कॉइल्स होते हैं, बहुत ही कम वैल्यू के होते हैं, 0.47 माइक्रो हेनरी या 1 माइक्रो हेनरी के आसपास के आपको ये कॉइल देखने को मिलते हैं। तो इस पावर की बात करें, PM6125, तो फ्रेंड सबसे पहले हम जैसे ही चार्जर कनेक्ट करते हैं तो हमारा VBUS का जो वोल्टेज है वो DC to DC में जाता है, और वहां से एक सप्लाई आपको VPH का यहां पर इन होती है, कुछ कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे होते हैं। ये हमारा जो वोल्टेज होता है VPH का, जहां पे आपको 3.6 से 4 वोल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो इस IC में यहां पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात यहां पर बक कॉइल्स है, तो ये VPH वोल्टेज 7 बार इन होता है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके अलावा एक और बार इन होता है, 8 बार। ये क्यों 8 बार मैंने बताया, हालांकि स्विचिंग सप्लाई यहां पर 7 बननी है लेकिन 8 बार VPH क्यों इन हो रहा है ये मैं आपको बताता हूं। हालांकि इससे और भी बार इस IC में VPH इन होता है, लेकिन अभी जो हम ये सप्लाई देख रहे हैं ये हमारी बक सप्लाई है, जिसको हम कोर सप्लाई भी बोलते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स इतने सारे कॉयल्स है, तो यहां पर VPH इसको मिल जाने के बाद और DC to DC से एक और सप्लाई इसको मिलती है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ओके। यहां पे इसको एक और एक लाइन मिलती है जहां पे एक पैरेलल में कैपेसिटर लगा होता है। यहां पे आपको SYS ओके के नाम से 1.8 वोल्टेज यहां पे आपको देखने मिलेगा। तो सबसे पहले एक VPH इन चाहिए इसको, और DC to DC से हमारा सिस्टम ओके, ये दोनों वोल्टेज इसको मिल जाने के बाद यहां पर बक कॉइलों के पास आपको वोल्टेजेस चेक करने हैं। हालांकि कूल टेस्टिंग में GR चेक करने होते हैं और हॉट टेस्टिंग में आपको वोल्टेजेस चेक करने होते हैं। तो यहां पे फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉइल है, जो मैं आपको लाइव अभी बोर्ड में भी चेक करके बताऊंगा कहां कहां पे कितना वोल्टेज आ रहा है और किस चीज के लिए वोल्टेज है और सिग्नल क्या चेक करने हैं। बहुत सारी सप्लाई इसमें मैं चेक करके बताऊंगा और बहुत कुछ इसमें नया इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहां पे आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है आपको कि इसमें आपको बहुत कुछ आपको मैं सिखाऊंगा। तो यहां पे फ्रेंड्स जैसे कि इस कॉइल के पास अगर आप चेक करेंगे तो ये हमारा लोअर LDO होता है, जिसको हम 1.3 वोल्ट यहां पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप ये दो आपका VPH आप इन कर देते हैं सिस्टम ओके इसको मिल जाता है, तो यहां पे आपको लोअर LDO बनेगा 1.3 और ये वोल्टेज इसी IC में वापस से इन हो जाता है यहां से बनने के बाद वापस, और इसमें एक साइड आपको स्विचिंग होगी, यहां पर एक साइड आपको स्विचिंग देखने को मिलेगी, जो कि IC के साइड अगर आप देखोगे तो यहां पे स्विचिंग होगी, क्योंकि जितने भी कॉइल्स होते हैं तो इसके वन साइड अगर आप देखोगे तो यहां पर इस तरीके से स्विचिंग होती है। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, तो एक साइड हर कॉइल के पास एक साइड यहां पर स्विचिंग होती है, इस तरीके से हम DSO से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो इस कॉइल के पास स्विचिंग होनी है क्योंकि यहां पर लो वोल्टेज और हाई एम्पियर बनता है, ये बक सप्लाई होती है। इसके बाद फ्रेंड्स लोअर LDO बन जाने के बाद यहां पे देख सकते हैं ये लोअर LDO, लेकिन इसके पास अगर आप देखोगे
जैसे आप जानते हैं पावर एसी में आपको एपीसी की सप्लाई होती है, वीडीडी कोर की सप्लाई होती है, मॉडेम की सप्लाई होती है, लोअर एलडीओ हायर एलडीओ भी होता है, और किसी किसी में मेमोरी की सप्लाई होती है, वीडीडी एमएक्स की सप्लाई होती है, और इसमें वीडीडी रैम की सप्लाई होती है। बट इसमें अगर आप देखोगे इस आईसी के पास इस मॉडल में हायर एलडीओ का कॉइल कहीं भी नहीं लगा है। जी हाँ फ्रेंड्स, हायर एलडीओ इस पावर एसी के पास कहीं भी आपको कॉइल लगा नहीं मिलेगा। वो कॉइल कहां पर है मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे आपको एक कॉइल जो मिला यहां पर लोअर एलडीओ यहां पर मिलेगा जहां पर 1.3 की सप्लाई मिलेगी। इसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा वीडीडी रैम की सप्लाई है, मतलब वीडीडी डीडीआर जिसे हम कहते हैं डीडीआर, ये रैम की सप्लाई होती है। और अगर यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको 1.2 का वोल्टेज देखने मिलेगा जो कि सीपीयू और ईएमसी के लिए जाता है। जी हां फ्रेंड्स, सीपीयू और ईएमसी के लिए जाता है, और ये वोल्टेज एक बार वापस से पावर एसी में भी इन हो जाता है और ये एलडीओ सेक्शन को एक्टिवेट करता है। काफी सारे एलडीओ इसी वोल्टेज से बनते हैं। इसके बाद ऊपर जो कॉइल देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहां पर स्विचिंग होने के बाद यहां से जो वोल्टेज मिलेगा वीडीडी एमएक्स का, वीडीडी एमएक्स जो होती है हमारी ये सीपीयू में जाती है, ये मेमोरी के लिए होती है सीपीयू की। तो यहां पे मैं इसे सीपीयू मेमोरी लिख देता हूं जैसे कि आपको याद रहेगा, यानी सीपीयू में जाती है ये मेमोरी के लिए। इसके बाद यहां पे जो वोल्टेज मिलेगा फ्रेंड्स आपको 0.9 के आसपास। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 0.9। इसके बाद ये दो कॉइल जो आपस में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपस में इस तरीके से कनेक्ट होते हैं और ये वोल्टेज भी जाता है सीपीयू में, और ये जो वोल्टेज होता है हमारा एपीसी का वोल्टेज, वीडीडी एपीसी आप जिसे कहते हैं या एपीसी जीरो भी कह सकते हैं आप, ये हमारा एपीसी का वोल्टेज होता है जो कि सीपीयू में जाता है। दोनों कॉइलें आपस में कनेक्ट होती है, और इस मॉडल में यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये वाला कॉइल और ये कॉइल दोनों आपस में कनेक्ट है, दो कॉइल, और ये हमारा है वीडीडी सीएक्स कोर एंड ग्राफिक्स के लिए, और साथ ही साथ यही वोल्टेज हमारा मॉडेम की भी, मॉडेम के लिए भी है, और ये भी जाता है आपका सीपीयू में। जैसे कि फ्रेंड्स यहां पे आपने देखा एक मॉडेम का वोल्टेज जो कि वीडीडी सीएक्स के साथ कनेक्टेड है, और एक एपीसी जीरो का वोल्टेज, यहां पे भी अगर आप देखोगे तो 0.8 मिलेगा वोल्टेज, और मॉडेम में भी अगर आप देखोगे तो 0.8। तो मॉडेम का वोल्टेज और एपीसी जीरो और वीडीडी मेमोरी और वीडीडी रैम, रैम की जो सप्लाई है ईएमसी सीपीयू और पावर तीनों में आती है। इसके अलावा लोअर एलडीओ यहीं से जनरेट होकर के वापस पावर में आ रहा है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे कहीं पे भी आपको हायर एलडीओ जो कि हमारा 2.0 का वोल्टेज होता है, हायर एलडीओ यहां पे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ये पीएम 6125 जो कि इसका पावर है, और इसमें जो सीपीयू लगा है सेम एसएम 6125 का सीपीयू है। क्रिस्टल जो देख रहे हैं 38.4 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है, और यहां से एक क्रिस्टल की जो सप्लाई होती है फ्रेंड्स सीपीयू में जाने के लिए आरएफ क्लॉक, आरएफ सीएलके या फिर एमएसएम सीएलके या फिर बीबी सीएलके के नाम से आपको देखने मिलेगी, जो कि 19.2 मेगाहर्ट्ज की सप्लाई होती है, जो कि एक रजिस्टर जीरो के रजिस्टर के थ्रू सीपीयू में जाती है। तो अभी फ्रेंड्स मैं आपको ये बीबी क्लॉक भी चेक करके बताऊंगा, इसके अलावा क्रिस्टल कहां लगा ये भी बताऊंगा। और अब यहां पे देखोगे फ्रेंड्स आप तो कहीं पे भी आपको हायर एलडीओ आपको देखने नहीं मिला। ये तो एक पावर का मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स, 6125 अगर मिल जाए तो इस तरह की सप्लाई है। बहुत सारे पावर है, पीएम 660 है, 6125 है, इसके अलावा 8953 है, 8940 है, बहुत सारे पावर आते हैं, 7125, 7120, काफी सारे पावर्स आते हैं। तो आपको अगर अच्छे से सीखना है ये कब वोल्टेजेस बनते हैं, कैसे चेक करना है, डेड मोबाइल में क्या क्या चेक करना है, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। तो ये वोल्टेजेस यहां पे बनेंगे फ्रेंड्स, और इसमें हायर एलडीओ का जो कॉइल लगा है फ्रेंड्स यहां पे ना लगाकर उस बग कॉइल को लगाया है सीपी के पास। और ये जितने भी कॉइल्स आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारों का अगर आप वैल्यू चेक करोगे 0.47 माइक्रो हेनरी के ही ये सारे कॉइल्स लगे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक एक जो हायर एलडीओ का कॉइल जो कि सीपीयू के पास लगा है वो भी 0.47 माइक्रो हेनरी का है, और वहां पर आपको 2 वोल्ट बनेंगे। तो वो कॉइल कहां लगा है अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने देखा लोअर एलडीओ, रैम का सप्लाई, मेमोरी का सप्लाई, एपीसी जीरो, वीडीडी सीएक्स और मॉडेम, ये वाला सप्लाई यहां पे बनता है। इसके बाद फ्रेंड्स इससे एक और सप्लाई बनती है जो कि एक और कॉइल लगा है, वो लगा है सीपीयू के पास, अभी मैं बताऊंगा। और यहां से जो वोल्टेज बनेंगे 2.0, और ये वोल्टेज जनरेट होकर के वापस इसी पावर एसी में आते हैं जो कि एलडीओ सेक्शन को एक्टिवेट करते हैं। तो एलडीओ सेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जो वोल्टेजेस चाहिए, लोअर एलडीओ, हायर एलडीओ, वीपीएच का वोल्टेज और ये वीडीडी एलपीडीडीआर वाला जो रैम की सप्लाई 1.2, ये चार वोल्टेजेस इस आईसी में
LDO VREG 2 वाले सेक्शन को एक्टिवेट करने आते हैं। ये VREG 1 सेक्शन है हमारा, जिसको हम बक एंड कोर सप्लाई बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये वाला कॉइल कहां लगा है मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिए, पूरा देखिए। गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अगर जरा सा भी आपने इस वीडियो में कुछ भी आपने सीखा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ऐसे बहुत सारे नए नए पावर आईसी के ऊपर मैं वीडियोस लाने वाला हूं, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक अपने टेक्नीशियन भाई के साथ शेयर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए काफी सारी मेहनत लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बताता हूं मैं आपको, इसको मैं हटा देता हूं। अब आपको मैं बताता हूं कहां पे हमारा हायर एलडीओ लगा है, और मैं आपको ये चेक करके भी बताऊंगा वीडियो में। यहाँ पे फ्रेंड्स इस बोर्ड को मैं पीछे पलटा देता हूँ आपको, और यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं इसका जो सीपीयू लगा है SM6125। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लगा है हमारा जो कॉइल लगा है, जो कि हायर एलडीओ का कॉइल है, जहां पे आपको 2.0 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको अभी चेक करके भी बताऊंगा। तो चलिए इसको चेक कैसे करना है सारा चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि जो भी पावर एसी के पास के वोल्टेजेस होते हैं, पहले कूल टेस्टिंग में जीआर चेक करने होते हैं, फिर हॉट टेस्टिंग में वोल्टेजेस चेक करने होते हैं। इसके बाद जब पावर एसी सही होता है हमारा, तो यहां से एक वोल्टेज पीएस पावर ऑन रीसेट का वोल्टेज सीपीयू को जाता है, वो भी मैं इसमें चेक करके बताऊंगा। उसके बाद सीपीयू से एक रिटर्न सिग्नल आता है जो कि हमारा पीएस होल्ड का है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस पावर से एक और सप्लाई निकलती है जिसको हम फॉल्ट 10 की सप्लाई बोलते हैं, जो कि सीधा सीधा पीएमआई 632 में जा रही है, जो कि हमेशा आपने देखा होगा जिसमें दो पावर एसी होते हैं तो वहां पर एक फॉल्ट 10 का सप्लाई निकल करके सेकेंडरी पावर एसी में जाता है। लेकिन इसमें जो पीएमआई 632 है लाइट और ग्राफिक के लिए दिया है, और उसमें भी आपको 1.8 वोल्टेज फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आएगा। जब मोबाइल ऑन हो जाएगा तो वहां पर 1 वोल्ट के आसपास स्टेबल होने चाहिए। तो ये तो मैं आपको अभी बताऊंगा इसमें। तो चलिए चेक करने से पहले एक बार डायग्राम में लेकर आता हूं मैं आपको, और डायग्राम में भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। वीडियो पर एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप ना करें। ये देख सकते हैं ये हमारा पावर एसी। तो चलिए डाटा में आ जाते हैं हम यहां पर। तो यहां पे जो पावर एसी लगा है फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं U1301, और यहां पे हमारा क्रिस्टल लगा है। और अगर मैं U1301 यहां पे सर्च करता हूं तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे चेक कर लेते हैं U1301। तो ये हमारा पावर एसी है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारा VREG1 सेक्शन। तो यहां पे सारे कॉइले हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो यहां पे आप देखोगे तो पूरे 0.47 माइक्रो हेनरी के कॉइल्स है, और अगर आगे देखोगे आप तो कहीं पे भी इसका वोल्टेजेस यहां पे लिखा नहीं रहेगा, जो कि मैं अभी आपको चेक करके बताऊंगा। तो इस पावर एसी में फ्रेंड्स वोल्टेजेस चेक करने के बाद आपको देखने होती हैं इसके सिग्नल लाइंस, जो कि ये वाला जो सेक्शन होता है VREG2 सेक्शन, जो कि LDO सेक्शन होता है। और इस पावर आईसी में जो मेन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो वोल्टेज होता है L9A के नाम से, तो मैं इसको थोड़ा जूम करके बता देता हूं। यहां से आप देखोगे LDO 1 से अगर आप देखोगे तो नीचे 24 LDO इसमें होंगे, ये देख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वोल्टेज आपको जो चेक करना है, जो कि आपका VCCQ के लिए होता है L9। तो L9 की सप्लाई यहां से इस तरफ जाकर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको ये सेक्शंस में जाती है, EDL टेस्ट पॉइंट पे भी मिलेगी, ये देख सकते हैं इतने सारे पेजेस में जाती है। तो यहां पे अगर आप देखोगे L9 जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सप्लाई है। ये हम VIOB से कहते हैं, डिजिटल वोल्टेज जिस चार्जर लगाने से आपका बन जाता है 1.8 का वोल्टेज। तो ये बहुत सारे सेक्शंस में जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अब आ जाते हैं हम हमारे कंट्रोल सेक्शन में। पावर एसी के अंदर आपको एक किस तरीके का कंट्रोल सेक्शन मिलेगा, जहां पे एक क्रिस्टल लगा होता है, और क्रिस्टल जो देख रहे हैं आप यहां पर ये थर्मिस्टर मतलब टेम्परेचर कंट्रोल वाला TC-XO इसमें लगा है, और इसमें चार पिने होती है, और इसमें जो दो नंबर देख रहे हैं आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है, और ये ग्राउंड पावर में जाता है, और ये एक इन एंड आउट होता है, और एक यहाँ पे वोल्टेज वाली लाइन होती है हमारी ADC-XO थर्म के नाम से। तो इसमें 38.4 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं फिर से, और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं सिस्टम, ओके, ये DC-DC से इस आईसी को दिया जाता है, जिसको हम केबल पावर के नाम से भी जानते हैं, CBL पावर। तो दोस्तों ये जो पावर एसी जब सही होता है तो पावर ऑन रीसेट के नाम से ये सीपीयू में एक वोल्टेज भेजता है 1.8 का, फिर सीपीयू वहां से फिर एक सिग्नल देता है पीएस होल्ड के नाम से। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो पावर एसी देख रहे हैं आप, DC-DC से जब इसे VPH मिल जाता है और सिस्टम ओके मिल जाता है, तो फॉल्ट 10 का सप्लाई ये यहां से
डीसी टू डीसी मतलब चार्जिंग एसी के साथ ये फॉल्ट लाइन कनेक्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा जो दूसरे डबल पावर एसी होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि फॉल्ट लाइन का सप्लाई उसमें देखने मिलेगा, बट ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स इस पावर में भी आपको फॉल्ट लाइन का सप्लाई देखने मिल रहा है 104 नंबर से निकल करके। ये मैं बताना चाहूंगा आपको कहां जा रहा है, तो यहां से आप नेक्स्ट करेंगे इस तरीके से तो ये आ जाता है पीएमआई 632 में। ये इसका पीएमआई 632 है 1701। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 44 नंबर के साथ फॉल्ट लाइन का सप्लाई इस टेस्ट पॉइंट पे आपको चेक करना है टीपी 1701। अगर आप बोर्ड में देखोगे ये टेस्ट पॉइंट आपको नजर भी नहीं आएगा। यहां पे मैं आपको बता देता हूं ये किस साइड में है इसका टेस्ट पॉइंट। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये आपका जो चार्जिंग पिन का कनेक्टर है इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो यहां पर ये देख रहा है आपको, इसको थोड़ा सा स्क्रैच करना पड़ेगा। स्क्रैच करने के बाद इसके अंदर आपको फॉल्ट लाइन का सप्लाई देखने को मिलेगा जो कि पहले आपको फ्लक्चुएट होता नजर आएगा चार्जर लगाएंगे तो, जब ऑन हो जाएगा तो 1 वोल्ट के आसपास यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए। तो ये वोल्टेज देखना है आपको। तो ये रेडमी MIA जो है इसके अंदर तो ये सप्लाई यूज किया है PMI 632 जो कि 901 वर्जन है, लेकिन दूसरे वर्जन में इसको यूज नहीं किया है। जैसे आप देख रहे हैं 44 नंबर पे फॉल्ट लाइन है। अब मैंने यहां पर एक 7A का रेडमी 7A का डायग्राम खोला है और ये हमारी PMI 632 है 1101। अगर हम PMI 632 के पास अगर देखेंगे इसी गोले पर तो देख सकते हैं फॉल्ट लाइन का यहां पर इसने इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि फॉल्ट लाइन यूज भी करते हैं और उसको यूज नहीं भी करते हैं। तो इस मॉडल में इन्होंने यूज नहीं किया है तो आपको PMI 632 यहां पे दिख रहे होगी, इसमें 502 वर्जन आता है तो उसमें 902 है तो वर्जन चेंज है तो सप्लाई भी इसमें यूज नहीं किया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम ये सप्लाई चेक करने के बाद ये भी आपको देखने हैं SPMI क्लॉक डाटा जो कि आपका चार्जर लगाने के बाद यहाँ पे आपके सिग्नल आते हैं जो कि डीसी टू डीसी और सीपीयू के साथ कनेक्ट होते हैं। चार्जिंग का लोगो आना है, परसेंटेज आना है, सीपीयू को ये सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस इसे कहते हैं जो कि सीपीयू को एक्टिवेट करती है यही लाइनें चार्जर लगाने के बाद, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारे हमारे सिग्नल लाइन होते हैं, ये हमारी ऑन ऑफ की सप्लाई होती है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप डायग्राम में हम बोर्ड में चलते हैं और बोर्ड में चल के चेक करते हैं कैसे इसको चेक करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कहां कहां पे आपको चेक करना है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। अब हॉट टेस्टिंग और डीएसओ से सिग्नल चेक करेंगे तो ये हमारे पास, तो आ जाइए यहां पर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पर मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा तो कूल टेस्टिंग में तो आप GR चेक कर लेते हो, अब मैं हॉट टेस्टिंग में आपको वोल्टेजेस बताता हूं। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहां पर, चार्जर लगाना होता है आपको और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर सारे कॉइल, तो ये सारे कॉइल ये स्टूडेंट का ही सेट है, अभी हमने उन सबको चेक करके भी बताया था इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर चार्जर इन करेंगे और चार्जर इन करके चेक करेंगे तो मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ब्लैक प्रोब ग्राउंड करेंगे, रेड प्रोब से चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लोअर LDO है हमारा जो कि 1.3 के आसपास वोल्टेज मिल रहा है, ये DDR जो कि 1.1 जो कि RAM में जाता है, उसके बाद मेमोरी की अगर वोल्टेजेस देखेंगे तो 0.8 टू 0.9 के आसपास, उसके बाद APC की अगर वोल्टेज देखेंगे तो 0.7 टू 8 के बीच में मिलेगा। ये दोनों कॉइल एक ही आपस में कनेक्टेड है, उसके बाद ये दोनों कॉइल आपस में कनेक्टेड है, इसमें भी 0.8 VDD-CX और VDD मॉडम। अब ये वोल्टेजेस तो आपको मिल गए और क्रिस्टल हमारा लगा है यहाँ पर देख सकते हैं 38.4 मेगाहर्ट्ज। अब इसका मैं आपको हायर LDO का भी कॉइल बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर CPU के पास एक कॉइल लगा है तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं 2.0 के आसपास वोल्टेज मिलेगा, देख सकते हैं 2.0 वोल्टेज, ये हमारा हायर LDO होता है। अब इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ये भी चेक करने होते हैं कि इसमें PS होल्ड और फॉल्ट लाइन कहाँ पे मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको फॉल्ट लाइन का सप्लाई आपको बताया, देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्क्रैच किया इसमें, तो यहाँ पे अभी वोल्टेजेस चेक करके बताता हूँ। ये फॉल्ट लाइन का सप्लाई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 वोल्ट के आसपास ये फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन जब मोबाइल ऑन हो जाएगा तो ये वोल्टेज स्टेबल हो जाएगी। इसके अलावा पावर ऑन रीसेट और आपको चेक करना होता है क्रिस्टल पे कितने मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी बन रही है, इसके अलावा PS होल्ड आपको चेक करना होता है। तो यहां पे फ्रेंड्स वो सारा चीज हम चेक करेंगे, तो PS होल्ड और
पावर ऑन रीसेट कहाँ पे आ रहा है, तो हम वो आ जाते हैं डायग्राम में, और डायग्राम में आके चेक करेंगे कि इसने कहाँ पर पावर ऑन रीसेट और पीएस होल्ड का सप्लाई बनाया है। ये भी दोनों पे 1.8 का वोल्टेज मिलना चाहिए ताकि पावर सही है और सीपीयू सही है, इसी से कंफर्म होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम आ जाते हैं लेआउट में और ले लेते हैं पावर एसी का नंबर, और पावर एसी का नंबर पेस्ट कर देते हैं। पीएस होल्ड और पावर ऑन रीसेट कैसे चेक करना है, कहाँ चेक करना है ये बता रहा हूँ मैं। ये आ गए हम पावर एसी में, पावर एसी में आने के बाद क्रिस्टल के सप्लाई के पास जाएंगे, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पावर ऑन रीसेट, और इसको हम सेलेक्ट कर लिए यहाँ पर, तो देखते हैं बीच में 92 नंबर गोले से सप्लाई निकलेगी। और जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे बीच में कोई कंपोनेंट मिलता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं एक कैपेसिटर एक रेजिस्टर मिला है, और ये सप्लाई हमारा सीधा सीधा चले जाता है सीपीयू में। ये देख सकते हैं ये हमारा सीपीयू है U0501, जो कि अगर आप लेआउट में आकर अगर आप चेक करोगे तो 0501 जो होता है आपका, ये वाला आपका सीपीयू होता है। तो सीपीयू में जा रही है सप्लाई, तो ये हम देखते हैं कि रजिस्टर कहाँ पे लगा है। तो ये हमारा पावर ऑन रीसेट का जो रजिस्टर है यहाँ पे लगा है U0205। अब ये डायग्राम में ढूंढते हैं हम लेआउट में कि ये रजिस्टर कहाँ लगा है। तो ये लगा है फ्रेंड्स यहाँ पर सीपीयू से 1, 2, 3 चौथे नंबर पे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सीपीयू के पास चौथा नंबर, ये सीपीयू, तो आपको यहाँ पे देखना है 1, 2, 3, 4, ये वाला हो गया हमारा पावर ऑन रीसेट का सप्लाई। इसके अलावा पीएस होल्ड भी चेक कर लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये चेक करके बता देता हूं कि यहां पर हमारा जो है कि 1.8 का वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है इस वाले रजिस्टर पे। तो चार्जर लगा रहना है अपने को, और चार्जर लगा करके चेक करेंगे चौथे नंबर पे। तो यहां से मैं HDMI चेंज कर देता हूं इसका, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे चौथे नंबर पे 1.8 का वोल्टेज। जैसे कि देख रहे हैं 1.8 का ये पावर ऑन रीसेट का वोल्टेज तो यहाँ पे बन रहा है। अब हमको चेक करना है पीएस होल्ड का सप्लाई, तो पीएस होल्ड कहाँ बन रहा है वो भी डायग्राम में आते हैं, और डायग्राम में आके पीएस होल्ड भी चेक करेंगे। तो डायग्राम में आ जाते हैं वापस से, और पीएस होल्ड का सप्लाई यहाँ पे देख सकते हैं, पीएस होल्ड का जो है सप्लाई यहाँ पे बन रहा है इस वाले रजिस्टर पे, जो कि हमारा 0206 नंबर का रजिस्टर है। और लेआउट में आएंगे और चेक करेंगे कहाँ पे है ये। तो ये जो लगा है फ्रेंड्स सीपीयू के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो लगा है आपका ये वाला जो नीचे लगा है, ये पी पावर ऑन रीसेट है और ये पीएस होल्ड है। अब यहाँ पे भी देखते हैं इस वाले रजिस्टर पे कि पीएस होल्ड का 1.8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसके लिए फिर से हम चले जाते हैं HDMI चेंज करके, और चार्जर लगा रहने देते हैं। अगर से सीपीयू सही होगा तभी ये वोल्टेजेस मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे है रजिस्टर, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी 1.8 का वोल्टेज हमको यहाँ पे मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब वोल्टेजेस तो हमारे सारे हो गए हैं, अब हम इसमें आपको चेक करके बताएंगे कि क्रिस्टल का जो सप्लाई है जो कि 19.2 मेगाहर्ट्ज़ है कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे लगा है हमारा क्रिस्टल, और अगर इसकी फ्रिक्वेंसी अगर आपको चेक करनी है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप सीपीयू के पास। यहाँ नीचे देख सकते हैं जो शील्ड के नीचे अंदर से जो दूसरा नंबर का रजिस्टर दिख रहा है यहाँ पे आपके बनते हैं 19.2 मेगाहर्ट्ज़। तो उसके लिए मैं यहाँ पर DSO का इस्तेमाल करूँगा, और DSO का इस्तेमाल करके आपको चेक करके बताऊँगा कि यहाँ पे हमारे फ्रिक्वेंसी बन रही है कि नहीं बन रही है। उसके लिए आपको DSO में देखना होगा। तो यहाँ पर ग्राउंड कनेक्ट कर लेता हूँ मैं कहीं पर भी। चलिए इस वाले रजिस्टर पे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। थोड़ा मैं नज़दीक से बताना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चेक, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे थोड़ा नज़दीक से लेके आना इधर इधर। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, एक और बार बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पे एक रजिस्टर है 0 ohms का, और यहाँ पे जैसे मैं चेक लगाऊंगा यहाँ पे देख सकते हैं ये बीबी क्लॉक बन रहा है हमारा 19.2 मेगाहर्ट्ज़, यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको इसका स्लीप क्लॉक भी चेक करके बताऊंगा स्लीप क्लॉक के लिए इन्होंने कहाँ पे रजिस्टर लगाया है।
तो स्लीप क्लॉक के लिए इन्होंने जो रजिस्टर लगाया है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये ऊपर का पहला जो रजिस्टर है ये स्लीप क्लॉक का है। उसके लिए ग्राउंड मुझे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना होगा, तो मैं ग्राउंड कहीं पे यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। और स्लीप क्लॉक जो होता है हमारा 32 किलो हर्ट्स का होता है, तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर, DSO से बताना चाहूँगा ये भी, तो इसमें थोड़ा सा कम बताएगा ये। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 32.7 दिख रहा होगा क्लियर आपको, 32.7 किलो हर्ट्स का भी यहाँ पे स्लिप क्लॉक भी बन रहा है। और ऊपर भी बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं ये वाला जो रजिस्टर है यहाँ पर, मैं अभी रजिस्टर पे लगाऊंगा, ये देख सकते हैं 32 किलो हर्ट्स भी बन रहा है। तो ये डेड मोबाइल में आपको ये किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स और बक सप्लाई आपको चेक करनी है, PS होल्ड की सप्लाई चेक करनी है, फॉल्ट 10 का सप्लाई आपको चेक करना है, EDL का वोल्टेजेस आपको चेक करने हैं। तो ये मोबाइल में अगर आप देखेंगे, इन सारे कॉयलों पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको फ्रिक्वेंसी स्विचिंग चेक करनी होती है। तो मैं आपको सारे कॉयल स्विचिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ एक बार चेक करके, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कॉयल कैसे काम कर रहे हैं, स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चलिए अभी मैं DSO में आपको बताना चाहूँगा सारा चीज़। सबसे पहला ये कॉयल ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, देख सकते हैं ये कॉयल पे स्विचिंग हो रही है, एक ही साइड स्विचिंग होगी, अदर साइड नहीं होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ले लूँगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी स्विचिंग हो रही है, अदर साइड नहीं होगी, ये देख सकते हैं सिर्फ वन साइड ही स्विचिंग होगी। इसके बाद मैं ऊपर वाला कॉयल ले लेता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको DSO में दिख रहा होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं यहाँ पर APC 0, यहाँ पे भी स्विचिंग हो रही है। उसके बाद VDD मॉडम और CX देख सकते हैं, यहाँ पे भी स्विचिंग हो रही है, यहाँ पे भी स्विचिंग हो रही है। तो ये सारा DSO से भी आप कॉयलों की ओर चेक कर सकते हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स, इसमें पावर ऑन रीसेट, PS होल्ड और फॉल्ट 10 और सारा VDD मॉडम, CX, APC, मेमोरी, RAM, लोअर LDO और हायर LDO का कॉयल बिल्कुल CPU के पास मिला। 38.4 MHz का क्रिस्टल है, बट बेसबैंड क्लॉक के लिए जाएगा 19.2 MHz, स्लीप क्लॉक 32 किलो हर्ट्स आपको बताया मैंने, फॉल्ट 10 का वोल्टेजेस फ्लक्चुएट होते रहेंगे, ऑन करेंगे तो स्टेबल रहेंगे। तो ये सारा चीज़ आपको डेड मोबाइल में चेक करना होता है। इसके अलावा VPS लाइन हो गई आपकी, इसके अलावा LDO L9 जो होता है इसमें स्पेशली 1.8 का वोल्टेज, वो आपको चेक करना है, अगर वो भी नहीं बनेगा तो सेट आपका डेड हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है कि सारे कॉयल के पास स्विचिंग होती है, अगर DSO होगा तो आप चेक कर सकते हैं, स्लीप क्लॉक DSO से चेक होता है और BB क्लॉक DSO से चेक होता है, SPMI क्लॉक डाटा वो भी DSO से चेक होता है। इसके अलावा वोल्टेजेस की बात हो गई, मल्टीमीटर से कर सकते हैं, जस्ट चार्जर लगाना है आपको, चेक करना है। ये हर एक मोबाइल में, ये जो अभी मैंने जितने वोल्टेजेस बताए हैं, जो सिग्नल मैंने बताए हैं, वो सबको आपको चेक करना होता है, तभी आप डेड मोबाइल बना पाएंगे। लेकिन कहाँ चेक करना है, रजिस्टर कैसे ढूंढें, कहाँ पे रजिस्टर होगा, ये हम आपको लाइव क्लास में सिखाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVIP क्लास होती है हमारी, 20 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट बैच January 27th में दिल्ली में हम लोग आ रहे हैं फ्रेंड्स, हैदराबाद का पूरा टीम, जितना भी हैदराबाद का टीम है सारा का सारा भी दिल्ली आ रहा है 27 जनवरी। तो ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ जनवरी के बैच में। उसके बाद हैदराबाद में जो बैच लगेगा 27 फरवरी में, जी हाँ फ्रेंड, जनवरी में हैदराबाद में बैच नहीं लगेगा, जनवरी में लगेगा दिल्ली में और हैदराबाद में लगेगा फरवरी में। महीने में एक ही बैच होता है, 20 दिन की ट्रेनिंग, बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपको सिखाएंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डायग्राम की नॉलेज, पूरा हैंड स्किल का काम, डबल डेकर, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड सब कुछ सिखाया जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको आपके हाथ से काम करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद। बाकी आपको जस्ट आपको बाईपास करनी है सारी चीज़ें, तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। दोस्तों एक जम्पर निकल गया, वो वोल्टेज शॉर्ट हो गया किसी ग्राउंड के साथ, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। दोस्तों बाईपास करना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉपर सेट को बनाना बड़ी बात है। किसी भी एंसर्ड में आप 6 लेग का AC लगा सकते हैं, लाइट AC, या फिर आप कहीं भी एक ट्रांजिस्टर या MOSFET लेकर के भी आप लाइट सेक्शन के लाइट को बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये प्रॉपर काम नहीं है, आपको वही वाला AC डालना है जो कि खराब हो चुका है। तो दोस्तों ये बाईपास करना मेरे हिसाब से प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, बाकी रही बात आपकी मर्जी। अगर आपको ICU के अंदर एक एक गोलों की नॉलेज चाहिए, कितने बॉल है, कितने सेक्शन है,
जैसे मैंने इसमें आपको बताया हायर एलडीओ सीपीयू के पास है, इससे फॉल्टन का सप्लाई पीएमआई को जा रहा है, ये सारा चीज आपको मैंने बताया है कैसे चेक करना है, बेसबैंड क्लॉक कहां पे चेक करना है, स्लीप क्लॉक कहां पे चेक करना है, सीपीयू को एक्टिवेट होने के लिए यही तो चीजें चाहिए, स्लीप क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक और बक सप्लाई चाहिए। इसके अलावा एलडीओ, एलडीओ सप्लाई होती है जो कि हमारी इसमें जो इंपॉर्टेंट सप्लाई L9A 1.8 का VREG L9A 1.8 वो भी चाहिए। ये तो हो गया एक पावर, ऐसे हम क्लास में 5G पावर बताते हैं, ऐसे हम क्लास में 4G के पावर बताते हैं, ऐसे डबल पावर, ट्रिपल पावर, चार पावर ऐसी जिसमें आते हैं, सब कुछ बताते हैं। अगर आपको अच्छे से सीखना है बेसिक से एडवांस, ज्वाइन करिए फोनफिक्स हैदराबाद। नेक्स्ट वीडियो अगर आप नीचे कमेंट करेंगे MTK 5G पावर IC के ऊपर मैं इस तरीके का एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे नीचे और हमारे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नया वीडियो जो आएगा आपको इमीडिएटली उसकी नोटिफिकेशन आएगी, और ऐसे ही सीखते रहिए क्योंकि YouTube पर फ्रेंड्स आपको देखने का कोई चार्ज नहीं लगता है, थोड़ा सा टाइम निकालिए, चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा, प्रैक्टिकली वीडियोस लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चलिए मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।